नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंचले सिंह। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ करेंगे। एनआईए करेगी एचयूटी मॉड्यूल केस की जांच। एटीएस ने एनआईए को हैंडओवर केस कर दिया है। विदेशी फंडिंग से जुड़े सबूत भी एनआईए को सौंपे जाएंगे। मामले में एनआईए खंगालेगा इंटरनेशनल कनेक्शन। वहीं 9 मई को गिरफ्तार हुए थे एचयूटी के संदिग्ध, जिनसे तमाम तरीके की पूछताछ जो है वो की गई थी। हिज्ब उत तहरीर के आईएसआई से तार जुड़े हुए हैं इनके। आपको बताएं कि इंटरनेशनल टेरर एक्टिविटी की जांच एनआईए की टीम करने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए अब एचयूटी मॉड्यूल केस की जांच करेगी। एटीएस ने एनआईए को हैंडओवर केस कर दिया है। वहीं विदेशी फंडिंग से सबूत जो जुड़े हुए थे वो एनआईए को सौंपेंगे। मामले में एनआईए खंगालेगा इंटरनेशनल कनेक्शन, तो इंटरनेशनल कनेक्शन भी खंगाला जाएगा। एचयूटी के 9 मई को संदिग्ध जो है वो गिरफ्तार हुए थे। इंटरनेशनल टेरर एक्टिविटी की जांच अब एनआईए करने वाली है। एटीएस ने एनआईए को हैंडओवर किया है केस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेशी फंडिंग से जुड़े सबूत भी एनआईए को सौंपे। मामले में एनआईए खंगालेगा इंटरनेशनल कनेक्शन। 9 मई को गिरफ्तार हुए थे एचयूटी के संदिग्ध। हिज्ब उत तहरीर की आईएसआई से तार जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनल टेरर एक्टिविटी की जांच एनआईए करने वाली है। तो ये बड़ी खबर है, एनआईए एचयूटी मॉड्यूल केस की जांच करेगी। एटीएस ने एनआईए को केस हैंडओवर कर दिया है। तो अब एटीएस की ओर से एनआईए को केस हैंडओवर किया गया है। अब इंटरनेशनल कनेक्शन भी खंगाला जाएगा। 9 मई को एचयूटी के संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे, जिनसे तमाम पूछताछ जो है वो की गई थी। इंटरनेशनल टेरर एक्टिविटी की जांच अब एनआईए करने वाली है।